फाइनेंस का टॉपिक है इस यूनिट में, तो आपको इसको बहुत ध्यान से बच्चों समझना है। आपकी आने वाले टाइम में जब आप जॉब पे जाते हो या हाई स्टडीज़ में जाते हो तो वहाँ इसकी बहुत वैल्यू है बच्चों। आइए देखते हैं क्या सिस्टम इसमें आता है। सबसे पहली बात, मीनिंग तो आपको समझ में आ ही गया था, डेफिनेशन आपने देख ली थी उसकी। आप कहते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट की क्या भूमिका है, क्या मेन काम है इसका आपकी लाइफ में, हमने उस चीज़ को देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे इसने आपके पांच काम बताए हैं टोटल आपकी बुक में। सबसे पहला काम क्या चीज़ है, फिक्स्ड एसेट्स का डिसीजन लेना, आप ये कह सकते हो। देखिए फिक्स्ड एसेट्स का डिसीजन आपको लेना है। अब फिक्स्ड एसेट्स को लेके क्या डिसीजन लेने हो सकते हैं, फिक्स्ड एसेट्स का तो पता है ना आपको, वो एसेट्स जो हम लंबे टाइम यूज़ के लिए लेते हैं, जैसे बिल्डिंग है, मशीन है, प्लांट है। तो देखना, पहले तो ये बताओ कि फिक्स्ड एसेट्स की बात है तो ये डिसीजन किस में जाएगा, इन्वेस्टिंग में, फाइनेंसिंग में या डिविडेंड में। अच्छा एसेट्स की बात है, एसेट्स की बात है तो यहाँ इन्वेस्टमेंट होगी, ये तो जी इन्वेस्टिंग डिसीजंस में जाएगा, ठीक है। अच्छा एक बात, फिक्स्ड एसेट्स के डिसीजंस को हमने एक नाम भी दिया था, हमने किया था कि जो इन्वेस्टिंग डिसीजंस हैं वो आपके दो टाइप के होते हैं। देखना जैसे हमने बात की थी कि जो आपके इन्वेस्टिंग डिसीजंस हैं है ना, वो आपके दो टाइप के हैं। कौन से, एक तो जो वो फिक्स्ड एसेट्स के होते हैं, एक वो जो करंट एसेट्स के होते हैं। फिक्स्ड एसेट्स वाले डिसीजंस को हमने एक नाम दिया था, कैपिटल बजटिंग डिसीजंस, ठीक है ना। करंट एसेट्स के डिसीजंस को हमने एक नाम दिया था क्या, WCM, याद है शॉर्ट फॉर्म मैंने इसकी बताई थी आपको, कैपिटल मैनेजमेंट, याद है ना, यही सब कुछ है। फिक्स्ड एसेट्स की बात आएगी तो पहली बात तो इसको लेके क्या डिसीजन लेने हो सकते हैं, हम देखेंगे दी टोटल इन्वेस्टमेंट इन दी फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है। मान लो आपने जो फिक्स्ड एसेट्स लेनी है वो टोटल 6 हैं, 2 मशीनें हैं, 3 प्लांट है, 1 बिल्डिंग है, 6 एसेट्स आपके पास हैं, एक तो उन पर टोटल अमाउंट कितना लगाया जाए, एंड एक फिक्स्ड एसेट्स पे अलग अलग, भाई एक मशीन पे कितना लगाना है, एक बिल्डिंग पे कितना लगाना है, वो भी यहाँ पे डिसाइड किया जाएगा। कैसे, दिस इज डन, ये किया जाता है किसके, कहाँ से, ओके कैपिटल बजटिंग, ठीक है ना। एग्जांपल दिया हुआ है, इट हैज़ बीन डिसाइडेड इन द कैपिटल बजटिंग, कैपिटल बजटिंग में डिसाइड किया गया टू इन्वेस्ट, पैसा लगाया जाए कितना, 500 करोड़ का बड़ा अमाउंट है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, फिक्स्ड एसेट्स 500 करोड़ की आपके पास बढ़ेगी ना बच्चों, तो ये डिसीजन आपका कौन सा हुआ, कैपिटल बजटिंग का, ये भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का काम है। करंट एसेट्स का डिसीजन आपको लेना है, यहाँ भी सेम बात, टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी हो करंट एसेट्स में एंड अलग अलग कितनी हो, अलग अलग। अब करंट एसेट्स में क्या क्या आता है, स्टॉक है, बिल्स रिसीवेबल है जिनसे आपने पैसा लेना होता है, जिनको आप क्रेडिट में माल बेचते हो, आपके पास कैश कितना होना चाहिए, ये सब चीज़ें होती है ना बच्चों। तो सेम चीज़, ठीक है, यहाँ पे डिसीजन है फिक्स्ड एसेट्स का, यहाँ पे है करंट एसेट्स का, ये कौन से डिसीजन हो गए, कैपिटल बजटिंग के, ये आपके हो गए WCM के, ठीक है जी। अच्छा जो फाइनेंसिंग डिसीजन था, फाइनेंसिंग में क्या था, पैसे का इंतजाम कहाँ से किया जाए, यहाँ तो ये डिसाइड हो गया ना कि पैसा कितना लगाना है, अब वो पैसा आएगा कहाँ से, वो कहाँ से देखेंगे, फाइनेंसिंग डिसीजन से। अब फाइनेंसिंग डिसीजन में दो बातें, क्योंकि आपको जो पैसा चाहिए होता है बच्चों वो दो टाइम लिमिट्स के हिसाब से होता है। एक पैसा वो होता है जो आपको बड़े टाइम के लिए चाहिए, 1 साल से ज़्यादा के लिए चाहिए होता है, लंबे टाइम के लिए। एक वो पैसा आपके लिए होता है जो आपको 2-3-5-6 महीने के लिए चाहिए होता है, मतलब मैक्सिमम 1 साल तक के लिए, ठीक है ना। तो उन दोनों की यहाँ पे बात की जाएगी, ठीक है जी। तो कहता है देखो, सबसे पहले तो डिसाइड किया जाएगा क्या रेशो, अनुपात किसका,
बड़े वाले फाइनेंस का, छोटे वाले फाइनेंस का। मतलब टोटल आपको सपोज चाहिए 50 लाख, तो 50 में से हमने डिसाइड किया कि जो 40 लाख है, 40 लैक्स, वो हम 5 साल के लिए लेंगे, जो 10 लाख है वो हम लेंगे 6 मंथ्स के लिए। तो मतलब कह सकते हो कि इसका कम्बिनेशन बनाया जाएगा, ठीक है। देखो, ऑल दी फाइनेंशियल नीड्स, जितना भी आपको पैसा चाहिए होता है बिजनेस में, वो फुलफिल किया जाता है। कैसे? एक तो बड़े वाले पैसे से, बड़े वाले साधन जो आपके होते हैं, एक छोटे वाले। जब मैं बोलूँ बड़े वाले तो समझ जाना 1 साल से ज़्यादा का टाइम है, जब मैं बोलता हूँ छोटे वाले तो समझ जाना 1 साल से कम का टाइम है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में एक रेशो, अभी जैसे हमने बात की दोनों का, वो डिसाइड किया जाता है। जो बड़े वाले होते हैं, लॉन्ग वाले, वो प्रोवाइड कैपिटल, कैपिटल देते हैं, पैसा देते हैं बिजनेस के लिए एक लंबे टाइम के लिए, ठीक है। इसीलिए उनका यूज बढ़ा देता है किसको? लिक्विडिटी को। उनका यूज लिक्विडिटी को बढ़ा देता है। एट द सेम टाइम द कॉस्ट, उनकी जो कॉस्ट होती है किसकी, जो बड़े वाले आप पैसे उठा के लाते हो, वो ज्यादा होती है किससे? छोटे वालों से। ये तो बात है ही भाई, जितने ज्यादा टाइम के लिए आप पैसे लोगे उसकी कॉस्ट उतनी ज्यादा पड़ेगी। कॉस्ट में मैं आपको ये बता दूं कि जैसे मान लो आपने बैंक से लोन लिया, ये आपकी कंपनी है, ये आपका बैंक है, तो आपने ना बैंक से लोन लिया बच्चों, तो बदले में आप इनको क्या दोगे? खाली लोन ले लिया तो क्या लोन का पैसा वापस दोगे? ना जी ना, कुछ प्लस तो देना पड़ेगा ना। मान लो लोन आपने लिया है 1 लाख का, तो क्या 1 लाख ही वापस जाएगा क्या? नहीं, वापस जाएगा 110। तो अब जितने ज़्यादा टाइम के लिए आप पैसा लोगे उतना ही एडिशनल अमाउंट आपको ज़्यादा देना पड़ेगा, ठीक बात है ना। अच्छा, सेकेंड चीज़, एक अभी पॉइंट आया, लिक्विडिटी क्या है बच्चों? लिक्विडिटी का मतलब होता है कि आपके पास कैश कितना पड़ा है, ठीक है। जितना ज़्यादा कैश हम कहेंगे लिक्विडिटी उतनी ज़्यादा है, जितना कैश कम है हम कहेंगे लिक्विडिटी उतनी ही कम है। अब आपने कई लोगों को ना कहते सुना होगा भाई हाथ टाइट है इन दिनों बहुत, है ना, मतलब पैसों की दिक्कत है, मंदा है इन दिनों। तो वैसे आपको पता है कोविड का टाइम है तो दिक्कत सबको ही है। तो लिक्विडिटी उसको हम ये भी कह सकते हो, जिसको आप कहते हो ना कि हार्ड टाइट है, पैसे नहीं है, उसको फाइनेंस की लैंग्वेज में आप कहते हो लिक्विडिटी का इशू है, ठीक है ना। अब एक चीज़, एक आदमी के पास 50 किल्ले ज़मीन है, 50 एकड़, देखा जाए तो बहुत, मतलब आप उसको कह सकते हो कि बहुत बड़ा आदमी है पैसों के मामले में। बट हो सकता है कि उसके पास ऑन द स्पॉट कैश ना हो, जमीन है ना। अब ये है कि मुझे शाम को कुछ सब्जी लेके आनी है, चल भी छोटा सा प्लाट उस बेच दे, वहाँ से पैसा आ जाएगा, ऐसा तो नहीं है ना। मतलब बाकी एसेट्स कितनी है, दैट इज़ ए डिफरेंट थिंग ना। यहाँ लिक्विडिटी में किसकी बात है बच्चों? कैश, कैश को देखना है आपने, ठीक है। तो जितना ज़्यादा टाइम, मान लो आपने पैसा लिया 10 साल के लिए, तो पैसा 10 साल आपके यहाँ यूज़ होगा ना, तो 10 साल आपको लिक्विडिटी की दिक्कत नहीं आएगी, पैसा आपके पास हो गई होगा। अच्छा, छोटे टाइम के लिए पैसा लिया 6 महीने के लिए, तो 6 महीने बाद पैसा वापस देना पड़ेगा, हाथ वैसे का वैसे, अगेन लिक्विडिटी नहीं होगी आपके पास, दिक्कत आएगी, ठीक है ना। तो कहता है इसीलिए इन केस आपको ज़्यादा लिक्विडिटी चाहिए, देखो ध्यान से, आपको पहले से ज़्यादा लिक्विडिटी चाहिए इन बिजनेस में, तो आपको ज़्यादा कॉस्ट भुगतनी पड़ेगी। कम चाहिए तो कम भुगत लेना, ठीक है जी। तो ये जो कम्बिनेशन बनाया जाता है ना, छोटे प्लस बड़े का जो कम्बिनेशन बनाया जाता है, ये किस बेस पे बनाया जाता है? ये बनाया जाता है लिक्विडिटी एंड कॉस्ट एनालिसिस, ठीक है। एक छोटी सी बात यहाँ पे बताना चाहूँगा बच्चों, बहुत ध्यान से सुनिए, इवन इन बातों को लिखिए भी सही, कहीं ना कहीं जैसे आपको ठीक लगे। मान लो एक बंदे के पास ना पैसा नहीं है, मतलब लिक्विडिटी नहीं है, लेकिन उसको पैसे की नीड भी नहीं है, पैसा नहीं है
लेकिन मेन बात उसको पैसे की नीड भी नहीं है, तो क्या हम उसको कहेंगे कि उसको लिक्विडिटी का इशू है, उसको दिक्कत है? जी नहीं, एक बिल्कुल फैमिली है जिसकी मंथली इनकम ओनली 2000 है, बट उस फैमिली में ना खाली दो बंदे हैं, उनका महीने का जो एक्सपेंस है, देखना एक एग्जांपल लेते हैं, ये फैमिली है, इस फैमिली में ना बच्चों बस दो बंदे हैं, ए बी, इनकी जो मंथली इनकम है, जो पेंशन आती है इनके पास, वो आती है 2000, इनका जो मंथली एक्सपेंस है ना बच्चों वो है 18। अब देखा जाए इनकम तो बहुत कम है, ठीक है, बट क्या आप इनको कहोगे कि इनको लिक्विडिटी का इशू है? क्या आप इनको ये कहोगे कि इनको लिक्विडिटी का इशू है? जी नहीं। इसके अपोजिट एक फैमिली है, इसमें पांच लोग हैं, इन पांचों की जो मंथली इनकम है ना बच्चों वो है 2 लाख, बट इस फैमिली की ना लाइबिलिटीज बहुत पड़ी हैं, इन पे लोन है 20 लाख का, उसके अलावा इनका जो मंथली एक्सपेंस है वो है 2.5 लाख, कोई भी हो सकता है, हो सकता है किसी की मेडिसिन चलती हो मंथली, 1.5-2 लाख उसका लग जाता हो। अब 2 लाख इनकम होने के बावजूद भी हम क्या कहेंगे, भाई इनको तो दिक्कत है पैसों की, ठीक है ना? मतलब कभी भी ना किसी एक एंगल को देख के ये मत सोचना कि क्या सही है क्या गलत है। मींस मैं ये कहना चाहता हूँ कि छोटे प्लस बड़े का जो कॉम्बिनेशन बनाओगे पैसे का, तो वो किस चीज़ को देख के बनाया जाएगा, खाली कॉस्ट को मत देखना, एक तो किसको लिक्विडिटी की नीड है या नहीं है उसको देखना, प्लस उसकी कॉस्ट, इन दोनों पॉइंट्स को देखने के बाद ही ये डिसीजन आपको लेना है बच्चों, ठीक है जी? अब पैसे नहीं है लेकिन पैसे चाहिए तो कॉस्ट भी भुगतनी पड़ेगी, पैसे नहीं है लेकिन चाहिए भी तो नहीं तो कॉस्ट भी क्यों भुगतूं, ठीक है ना? ऐसी छोटी छोटी बातें। अच्छा उसके बाद चलो ये तो डिसाइड हो गया कि 40 लाख हमें बड़े वाला पैसा चाहिए, 10 लाख हमें छोटे वाला, बड़े वाले का मतलब बड़े टाइम के लिए, छोटे वाले का मतलब छोटे टाइम के लिए, ये बात तो ठीक है, लेकिन जो 40 लाख आपको बड़े वाला चाहिए उसमें भी आपके पास ऑप्शंस आ सकते हैं कि कहाँ कहाँ से आप पैसे लोगे, ठीक है? आपको याद होगा जो आपको मैंने बताया था कि जो आपके पास ऑप्शंस हैं, कि जो आपके पास ऑप्शंस है ना वो कौन कौन से हैं, इक्विटी की बात आई थी, ठीक है, वैसे जो आपकी कंपनी की बुक है अकाउंट्स में, इसके बाद हम जिस बुक पे आएंगे उसमें सब यही खेल आपको देखना है, ठीक है? इक्विटी है, अच्छा आप ये आपके पास ना कुछ ऑप्शंस होते हैं, इन ऑप्शंस को ना मैं अब आपको डिटेल में सिखाऊंगा, वैसे आप बैंक से लोन ले सकते हो, ये कुछ एक आपके पास ऑप्शंस है बच्चों। तो ऐसा है कि आपको चाहिए कितना, 40 लाख, तो 40 लाख ऐसे थोड़ी है कि आपको कहीं एक से ही उठाना है, हो सकता है आप 20 इससे ले लो, 10 इससे ले लो, 5 इससे, 5 इससे, हो सकता है आप 40 का 40 यहाँ से उठा लो, हो सकता है आप यहाँ पे 20+20 का कम्बिनेशन बना लो, हो सकता है 20+20 यहाँ बना लो, इन दोनों का 20 यहाँ से 20 यहाँ से, मतलब ऑप्शन तो कोई भी देखा जा सकता है ना। तो यहाँ पे आपको दो बातें देखनी है, पहले तो आपको टोटल कितना चाहिए, 50, उसमें से बड़े वाला कितना चाहिए, 40, छोटे वाला कितना चाहिए, 10। उसके बाद सेकंड में आपको देखना है कि जो आपको बड़े वाले चाहिए 40, वो आपको कहाँ से लेने हैं, उसकी बात आपकी आएगी यहाँ पे, इसका क्या कम्बिनेशन आपको यहाँ पे बनाना है, ठीक है जी? तो ये लाइन आपके सामने है, चौथा पॉइंट आपका डिसाइड किया जाएगा क्या रेशो किसका, अलग अलग जहाँ से आप पैसा ले सकते हो, कौन से वाला पैसा, बड़े टाइम वाला पैसा, लंबे टाइम के लिए जो आपको फाइनेंस की नीड है, इसने भी वही नाम लिखे हैं जो मैंने दिखाया, देखो इक्विटी है, इसके मतलब मैं आपको समझाता हूँ अभी मीनिंग क्या होते हैं, ठीक है? ये आपके पास पॉइंट्स हैं, मतलब एक एक लाइन को बहुत ध्यान से पढ़ के, सॉफ्टली पढ़ के दिमाग में जाने दो, जहां भी आपका दिमाग कहता है भाई यहां मजा नहीं आया, वो चीज मुझे बताओ कि क्या डाउट आता है, ठीक है जी?
लास्ट पॉइंट आपका आता है P&L अकाउंट जो आप बनाते थे उसकी अलग अलग आइटम्स को यहाँ पे डिसाइड किया जाए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या क्या बातें आ सकती हैं देख लो भाई। वैसे तो जो पॉइंट मैंने आपको समझाया था PBDIT का, ये उसी की बात ही कहता है। मतलब तीन चीजें हैं, डेप, टैक्स। ये चीज़ तो अपने हाथ में नहीं है, ये तो जितनी इनकम कमाएंगे वो हमें देना ही देना पड़ेगा, मेन बात तो इनकी है ना। ठीक है, तो इन दोनों को लेकर डिसीजन लिए जा सकते हैं क्योंकि इनका सीधा सीधा इफेक्ट बच्चों आपके PL पे पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है जी, ये पॉइंट कहते हैं कुछ आइटम्स इंक्लूड की जाती हैं किसमें, P&L में, टू गेट P&L गेट इन्फ्लुएंस्ड या अफेक्टेड बाय फाइनेंशियल डिसीजंस। कहते हैं PL अकाउंट में ना बहुत सी आइटम्स होती हैं जिनका फाइनेंशियल डिसीजंस पे इफेक्ट, जिन पे फाइनेंशियल डिसीजंस का इफेक्ट पड़ता है। P&L अकाउंट में काफ़ी ऐसी आइटम होती है जिन पे फाइनेंशियल डिसीजंस का इफेक्ट पड़ता है, जैसे देख लो वही पॉइंट, आपने डेट लिया हुआ है, डेट मतलब लोन, लोन पे ब्याज आपको देना पड़ता है, एसेट्स ज़्यादा लोगे तो उस पे डेप आपको लगाना है, डिस्काउंट की बात आती है। ठीक है, लिक्विडिटी कैसे मेंटेन की जाए। तो बच्चों ये सब बातें, ये पांचों पॉइंट्स जो भी हमने डिस्कस किए, ये आपको डिस्कस